हाय गाइस, वेलकम टू सकर ट्रेडर्स। गाइस, फ्राइडे मार्केट हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे एंड फ्राइडे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को समझते हुए हमने किस प्रकार में प्रॉफिट अर्निंग करना है। मेन मुद्दा हमारा क्या है भाई, प्रॉफिट अर्निंग करना है। किस लेवल से मैं कॉल ले लूँ और किस लेवल से पुट ले लूँ, ये बता दो। सो गाइस, आज का वीडियो मैं बहुत क्लियर, जैसे मैं हर रोज बताता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली ये जगह क्लियर कराता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, वो चीज मैं क्लियर कराऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस, जिन लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से जाके हमारा वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिए। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जल्दी से जाके हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है। एक दिन पहले वीडियो देखो, कल का दिन उसे वॉच करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये लेवल सही दे रहे हैं, तब जाके हमारा लेवल को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप का वीडियो एंड स्ट्रेटेजीज वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। चलिए गाइस, देखते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज हमने क्या कॉल दिया। तो गाइस, इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके मत लाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ही टेलीग्राम चैनल लाना, क्योंकि हमारा नाम पे बहुत सारे फेक चैनल चल रहा है इसी लोगो एंड इसी नाम से, तो उन चैनलों से बचिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक नज़र देख लेता हूँ जो कल हमने क्या बताया था। ओके, और उसके बाद बताऊंगा कल का सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होगा, कहाँ पे आप कॉल लोगे, कहाँ पे पुट लोगे, कौन सी कॉल एंड कौन सी पुट पे मेरा रहेगा ध्यान। ओके, तो देखिए, आज का जो टाइम फ्रेम हुआ है ना, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आज हुआ क्या है। ठीक है गाइज, आज बिल्कुल पागल जैसे बिहेव किया ना मार्केट सुबह सुबह, ऐसे लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसे लग रहा है। ओके, चलो देखते हैं पागल जैसे बिहेव किया या प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो किया। ओके, सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। देखो, इसी का बेस पे मैं आपको कॉल दिया था। ठीक है, इसी का बेस पे मैं आपको कॉल दिया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉर्निंग पे ओपन होने के बाद 3 कैंडल रेड बनाया और यहीं से अचानक बाउंस बैक, ऐसे कैसे? तो क्या था, अगर आप निफ्टी कल का जो लास्ट टाइम का, कल का जो लास्ट टाइम का जो लेवल था, इस लेवल से ही ये वापस हुआ। बट यहाँ पे है क्या चीज़ जो यहाँ पे वापस हो रहा है, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे है क्या चीज़ जो यहाँ से वापस हो रहा है, वो भी बताऊंगा। ओके, चलो पहले हम देख लेते हैं कि कल आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या लेवल दिया था, क्या वो लेवल को रेस्पेक्ट किया मार्केट। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, फिर जल्दी से हम आएंगे कि फ्राइडे का मार्केट को कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट आए। ओके, चलो तो सबसे पहले बताया था 18,540, ये जो लेवल है, ये लेवल आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आज का मार्केट के लिए। और सपोर्ट जोन रहेगा 18,477। क्लियर? तो देखिए, 18,540 कहाँ पे है, 540 के बाद क्या जोन था, 597। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल 580 का हाई बना के, 80 का ओपन होके डाउन आया, डाउन आके कहाँ तक आया, 516 तक। और 516 से जो बाउंस बैक हुआ है, अगेन मॉर्निंग का जो हाई लेवल है, उस लेवल को मार्केट बिल्कुल रेस्पेक्ट किया है, वहाँ से ब्रेक नहीं हो पाया। तो आज दिन पे हमने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर दिया था, कि बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया था हमारा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, इसका फ्यूचर के ऊपर ड्रॉ किया था आपको, तो आप समझ गए थे कि कहाँ पर बाइंग करना। मैं क्लियर यहाँ पर इस तरीके से एरो दिया था कि इसको ऊपर जाएगा, इसका इस जोन को ब्रेक करेगा तो कॉल साइड, इस जोन को डाउन ब्रेक करेगा तो पुट साइड। तो आई थिंक जिन्होंने थोड़ा सा पुराने ट्रेडर से है, मार्केट को समझते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रॉफिट किए होंगे। तो अब देख लो, जो S1 सपोर्ट वन लेवल था, सपोर्ट वन लेवल कहाँ पे बना आज? तो देखो, बिल्कुल जो मार्केट बॉटम बनाया, कहाँ पे बनाया, 18,467 यानी 70 के आसपास। हमने यहाँ पे क्या लेवल दिया था, यहाँ पे आपको हमारा फर्स्ट सपोर्ट दिया था 18,477। क्लियर? तो यहां तक आता हुआ हमें मिला। जब 540 से नीचे मार्केट बिलोंग करने लगा, जब 540 से नीचे मार्केट बिलोंग करने लगा, तो यहां से हमारे को शार्प मोमेंटम सपोर्ट तक बनता हुआ दिखाई दिया। चलो, ये तो गए आज की बात। अच्छा, इसका बीच में मैं जो बताने वाला था कि मार्केट पागल जैसे बिहेव किया, मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। ओके, चलो एक बार हम इस चार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मार्केट पागल जैसे बिहेव किया या टेक्निकली बिहेव किया। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल समझाया जाता है, सिखाया जाता है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, बिल्कुल पिन पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लिया कि नहीं गाइस? सपोर्ट लेते ही यहां से वापस। ओके, तो हम यहाँ पे छोटी सी कंफर्मेशन, छोटी टाइम का कंफर्मेशन लेके कॉल बाई कर सकते हैं। जब देखो, जब से इस लेवल को डाउन ब्रेक किया है, तब से इसको हाई और ब्रेक नहीं किया है, यहां से डाउन साइड जाता रहा। बट इसका बीच में ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अच्छा से देख के अगर हम ट्रेड करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलता है। आज दोपहर के बाद मैं मार्केट में नहीं था, जिसके कारण आज वीडियो भी बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम। तो चलिए, जिन लोग हमारा कंटिन्यू सब्सक्राइबर है एंड कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, वो जरूर वीडियो को फॉलो करेंगे, देखेंगे, और आई थिंक मैं उनको एक सही गाइडनेस कल के लिए दे पाऊंगा। तो चलो, कल के लिए लेवल क्या जा रहा है, देखो इस टेक्निकल के अकॉर्डिंग
यहाँ से पहली बात आपको देखना है कि ग्लोबल मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव लेके जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, तो ग्लोबल मार्केट अगर थोड़ा सा पॉजिटिव लेके जाएगा तो कल का पहला लेवल हमारा क्या जा रहा है समझ लो। देखो आप लोग ना बहुत सारे वीडियो देखते हो लेकिन आपको बाय द वे फाइनल क्लियर कट कुछ नहीं बताता है, बट मैं आपको वीडियो में बहुत क्लियर कट बताता हूँ कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। ओके, हमें इंटरनेट ट्रेडर्स है, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, इसका फाइनल कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता है। अगर मैं बताऊंगा तो झूठ बताऊंगा। ओके, हाँ, ऑप्शन चेन अगर बहुत क्लियर है, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स अगर बहुत क्लियर है तो बता सकते हैं भाई ये होगा। ओके, चलो, तो ऑप्शन चेन फ्राइडे के दिन पे क्या होता है, थर्सडे के दिन पे बहुत ज़्यादा क्लियर तैयार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो ऑप्शन चेन हमारे को क्लियर व्यू नहीं देता है। तो कल के लिए जो मेरा लेवल रहेगा 18,500 जो जोन है ना, ये बहुत अच्छा जोन बना रहा है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है। तो हमें 18,500 के ऊपर ध्यान देना है कि मार्केट क्या 18,500 के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर इसके ऊपर ओपन होगा और थोड़ी सी देर अगर सस्टेन किया इसके ऊपर, तो आपको यहाँ से एक पॉजिटिव जोन जो कि 35 से लेके 50 तक, ये मेरा फर्स्टली जोन रहेगा मॉर्निंग का, ठीक है, 35 से लेके 50 तक ये मेरा मॉर्निंग जोन रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो धीरे धीरे आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगेन 500 की तरफ, और आज का लो ये क्या हमारा एक नंबर सिनारी निफ्टी के लिए, समझ गए क्या बताया कि अगर 500 से ऊपर थोड़ी सी देर सस्टेन किया तो यहाँ से 18,535 एंड 18,550 ये मेरा जोन है पॉजिटिव साइड का। अब उससे ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ओके, उससे ऊपर मैं इतना जल्दी नहीं जा रहा हूँ, क्लियर है। अगर इस जोन के ऊपर चला जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव साइड कॉल साइड अच्छा से रहेगा, बट जब जाएगा तो हम देखेंगे, जाएगा तो हमारा व्यू क्लियर रहेगा, बट यहाँ से आपको परेशान कर सकता है, यहाँ से फिर मार्केट डाउन हो सकता है, जो डाउननेस अगेन 500 तक और आज का लो यानी कि 18,465 को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम धीरे धीरे मार्केट को डाउन साइड जाता हुआ देखेंगे और 18,000 यहाँ से जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपको कहाँ जाएगा 18,400 तक मार्केट डाउन जाएगा, क्लियर गाइस। तो इसको ध्यान दीजिएगा कहां पे आपको ट्रेड लेना है, अभी आप समझ गए हैं कि ट्रेड कहां पे लेना है। तो सबसे पहला अगर यहां पे आपको मौका मिल रहा है, इस जगह पे मौका मिल रहा है, राइट, 500 के आसपास मौका मिल रहा है, तो यहां से थोड़ी सी पॉजिटिव साइड का मौका मिलेगा आपको, कॉल साइड लोगे, क्लियर स्टॉप लॉस जाएगा, इससे नीचे अगर आ जाता है तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर जैसे मैं बताया हूँ, इससे अगर जोन बना रहा है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आप पुट लोगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनाओगे। सेकंड टाइम कब लोगे ना, इस जोन को ब्रेक होने के बाद एक पुट ले सकते हो। अब कौन सी पुट लोगे, बहुत क्लियर है कि आप हमेशा इन द मनी पे रहो। अब यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो 18,550 का पुट लो, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो 18,500 का कॉल लो। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि आपको कौन सी कॉल लेना है, कौन सी पुट लेना है। तो आई थिंक निफ्टी आपको क्लियर है। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी में। अगर इस बैंक निफ्टी में ऐसे क्या हुआ जी, यहाँ से अचानक बाउंस बैक आया, ये भी आपको जानने के लिए दिल कर रहा होगा, ये भी बताऊंगा। जिन लोग कंटिन्यू अभी तक वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताऊंगा जो जो चीज मैं वादा किया हूँ। ओके, चलो, तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव क्यों आया, उसके बाद बताएंगे कि मार्केट जो लास्ट टाइम पे प्रॉफिट बुक आया ये आपको कैसे पता चलेगा। तो हमारा जिन लोग अकाउंट ओपनिंग ग्रुप है वहां पे लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा बढ़िया कॉल दिया था मैं एक, कि उस टाइम पे मैं मार्केट में भी नहीं था, मैं एक पार्टी पे था, हाथ में सिर्फ मोबाइल था, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पुट ऑप्शन दिया था। प्राइस एक्शन में समझ में आ रहा है किस लेवल के बाद आपको पुट ऑप्शन जा रहा है, और मैं क्लियर 230 के बाद मैं ये पुट ऑप्शन दिया था, 44,200 का पुट जो आपको 250 पे बाइंग दिया था, 350 तक हमारा टारगेट था। ओके, दूसरा एक कॉल था 44,000 का पुट जो 70 के ऊपर बाइंग था और उसका टारगेट कितना गया है 200 के ऊपर। तो ये सारी चीज कैसे होता है कि 44,200 इन द मनी, इसका प्राइस उतना नहीं इंक्रीज हुआ बट 44,000 का पुट जो उससे भी आउट ऑफ द मनी आए, है ना, बट उसका इतनी ज्यादा मोमेंटम, ये समझना पड़ेगा गाइस। तो चैनल पे बने रहोगे तो इन चीजों के ऊपर भी मैं अगला वीडियो जरूर लाऊंगा। ओके, चलो, तो इस जगह से मार्केट पॉजिटिव क्यों हुआ इस चीज को समझने का कोशिश करो। जैसे मैं वहां पे बताया किसमें निफ्टी में, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी ऐसे कुछ टेक्निकल होता है। तो यहाँ ना टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप देखिए बैंक निफ्टी का जो मैं चार्ट लाया हूँ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपको हमारा ये सपोर्ट जोन कितना काम किया है। ओके तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तो 3 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी कम वोलेटाइल है, थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, तो वहाँ पे हम 5 मिनट का चार्ट है। टेक्निकल सेम है, समझो और सीखने का कोशिश करो तभी जाके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बनेगा। चलो तो बैंक निफ्टी के लिए कल क्या लेवल रहेगा। ओके तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्लियर बताऊंगा, 44,000 जोन को बैंक निफ्टी ने डाउन ब्रेक किया है तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, और मॉर्निंग सेशन पे अगर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगा। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा सामने ओपन है, ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ से मेरा सबसे पहला सपोर्ट है आज का लो, और मार्केट 18 ध्यान से मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 43,830 के ऊपर अगर थोड़ा सा स्टे करेगा तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट टारगेट जो पॉजिटिव साइड का रह सकता है 43,990 तक, यानी कि 44,000। क्लियर, जैसे निफ्टी का दिखाया सेम बैंक निफ्टी का, और यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और दोपहर के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है, जो कि 43,560 लेवल तक मार्केट डाउन आ सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। देखो पूरा टाइम मैं टेक्निकल के ऊपर बिताया, और लास्ट में आता है ऑप्शन चेन, तो आज मैं ऑप्शन चेन के ऊपर इतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ऑप्शन चेन पे 18,500 के ऊपर एक बढ़िया लेवल बन रहा है निफ्टी के लिए, तो आज के लिए तो आपको यही दिखा रहा है कि 18,500 एक बेंचमार्क है, एक जोन है, साइकोलॉजिकल जोन, टेक्निकल जोन एंड ऑप्शन चेन, ऑप्शन कॉल राइटर एंड पुट राइटर का जोन। ओके चलो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप समझ पाए होंगे, जो बिल्कुल विगनर्स है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक लेवल से समझने का कोशिश करो। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।